Sultan is Hakem Sultan. Mahsin Islam. Çıkar karşıya Ali. Siz bana yapatın. Nevaz-ı Resul. Hazreti Ali Selam Kemur. Hazreti İmam-ı Hasan. Hazreti İmam-ı Hüseyin. İmam-ı Zaman Bey. Avaz-ı Fırat Selva. Allah'a शहर में हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले अबू जर भाई ने इस महफिल का जिक्र किया था और कहा था हिंदुस्तान की सबसे अच्छी दाल और सबसे अच्छी दुआ चरी मरी की मंजिल मिलती है, वहाँ चलना। हिंदुस्तान में बहरीन चला गया, 35 साल अबू भाई ने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हूँ तथा हाजिर का नाम हूँ। समाज फरमाए मैंने बेटा Oh!
मैं किसी का नाम कभी लेता नहीं हूँ। दो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं समाज फरमाया कि पर्दे गैब से तेरे अली जब आए, पर्दे गैब से तेरे अली जब आए ही मुफ्तिये दीदार की नानी मर जाए। Shut up!
भाई साहब ये तबर्रुक नहीं इफ्तारी। फरमाइए मैंने बकरीद के जमाने में ये चार मिसरे मैंने कहे हैं, खास तौर से समाप्त फरमाए जहां जहां हजरात है कि बकरा बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस। मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस। मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। हंस के बोले कि 1,25,000 में तो आया ऐसे, इसको बकरा न समझना ये अबू बकरा। YouTube पे देख लेना, अपलोड कर दो मैं। ये तो बड़ा दुबला है। नहीं भी बिल्कुल लग रहा है तेरे से ज्यादा क्लियर कैमरा है। इसको बकरा न समझना ये अबू बकरा। हंसते बोले कि 1,25,000 में पाया है इसे, इसको बकरा न समझना ये अबू बकरा है। तू तू अपनी झूठी शान दिखाता है काही को रे। तू अपनी झूठी शान दिखाता है काही को रे। पब्लिक को बेवकूफ बनाता है काही को रे। पब्लिक को बेवकूफ बनाता है गाय को रे। क्या खुद को मानता है तू अल्लाह से सही, नामे अली आबा से हटाता है गाय को रे। हाँ वो चार मिसरे संजीदा है हमारी जिंदगी के कुछ अहम तरीन अताब है, उसमें से एक फरमाइश उन्होंने कर दी। मैं हाजिर कर रहा हूं कि लौट आऊं तो शाहे जमा न कहना मुझे, जो लौट आऊं तो शाहे जमा न कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफे, अगर मैं रोलू तो असर की बारे में सर देकर दी बचाऊंगा। जो लौट आऊं तो शाहे जमा न कहना मुझे। बहुत ज्यादा अगर मैं रोऊं बहुत ज्यादा नसीब मुझे, अगर मैं रोऊं तो असर की मारा कहना मुझे। अब एक नज़्म जो बहुत जल्दी जल्दी मैं हाजिर करना चाहता, अगर मैं रोऊं तो असर की मारा कहना मुझे। एक मंजर वादे पति न किसी साकी से आज तक आपने सुना होगा न किसी शायर से, कि जब
हाजी कुम से अपने घरों को वापस हुए तो क्या हुआ? कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं क्या हुआ होगा। एक मंजर बादे अली समाज फरमाए, खून से जब शेख पहुंचे अपने घर, लूट चुका था सुकून कल्ब जिगर, लूट चुका था सुकून कल्ब जिगर, सर से पांव तलक पसीना था, ऐसा जीना भी कोई जीना था, सर से पांव तलक पसीना था, ऐसा जीना भी कोई जीना था, बस कजावे की जिद देखते थे और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, बस कजावे की जिद देखते थे और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, खाना पीना आजाद लगता था, आलू कच्चा कबाब लगता था, ऐसा होता ही है। नहीं हो रहा है, खाना पीना अच्छे से करो, जोर से दबा के, आलू कच्चा कबाब लगता था, क्या हुआ है? क्या मालूम यार क्या हो रहा है, क्या हुआ है? नाराज खोलते थे अपनी बेगम से कम ही बोलते, कैंसिल कर, क्या हुआ है? ये देख बेगम से कम ही बोलते थे, आई मैं बोल रहा हूँ मेमोरी कार्ड मेरे में डाल के छाप दो, अपनी बीवी से कम ही बोलते थे, आई कमरे में जिस घड़ी हजन बोली, क्या बात है मियां अच्छा, हाजिर होकर भी काफिलाए हो, हाय अल्लाह कहां से आए हो, क्या
मेरा रूप समझो, वो अगर आप मेरा दुख समझो, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, नहीं शजर था न कोई साया था, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, नहीं शजर था न कोई साया था, रोक कर खून में जुल्म ढाया गया, रोक कर खून में जुल्म ढाया गया, मुझको हर तौर से जलाया गया, रोक कर खून में जुल्म ढाया गया, मुझको हर तौर से जलाया गया, हाथ पीले हैं पांव काले हैं, क्या कहूं किस जगह में जाऊं, जगह पे छाते हैं।